एक 19 साल का लड़का था। लोग उसे पागल बोलते थे क्योंकि वो बड़ा तो हो गया था पर बुद्धि और हरकत बिल्कुल बच्चों जैसी थी। एक दिन उसे रास्ते पर एक खिलौना मिलता है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपने घर जाकर मम्मी को बताता है, मम्मी मुझे एक खिलौना मिला, ये देखो अच्छा है ना? हाँ, बचपन में मेरे पास भी ऐसा ही एक खिलौना था। माँ पर तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस तेरे पापा की याद आ गई थी। माँ तुम रो मत, ये खिलौना और मैं मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ बेटा। तभी वो गुड्डा बोल पड़ता है, अरे मेरे पागल दोस्त, तूने आज मुझे जिंदा कर दिया, थैंक यू यार। तभी भूतिया गुड्डा उसकी माँ के ऊपर कूद जाता है और उसे जान से मार देता है। तुमने ये क्या किया, मेरी माँ को क्यों मारा? क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे बचपन में खूब खेला, पर जब ये बड़ी हो गई तब मुझे कबाड़े में बेच दिया। तो बस इसलिए तुमने मेरी माँ को मार डाला? हाँ मार डाला, और मैं उन सबको मार डालूंगा जो खिलौने से सिर्फ बचपन में खेलते हैं पर उसके बाद हमें किसी कोने में फेंक देते हैं। लेकिन खिलौने तो जिंदा नहीं होते, पर तुम जिंदा कैसे हुए? अगर कोई जवान इंसान मुझे प्यार से खेलने के लिए उठाता है तो मैं जिंदा हो जाता हूँ, और आज वो काम तुमने कर दिया। अगर तुम मेरी वजह से जिंदा हुए तो मेरी माँ को फिर से जिंदा कर दो। ओ अच्छा, मम्मी चाहिए? चल ठीक है, जिंदा कर दूंगा, पर तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। ठीक है करूंगा। जा मेरे लिए दुकान से खिलौने लेके आ। ठीक है लाके दूंगा, पर उसके बाद मेरी माँ जिंदा हो जाएगी क्या? हाँ कर दूंगा जिंदा। पागल उसके लिए खिलौने ले आता है और गुड्डा उन खिलौनों को भी जादू से भूतिया खिलौने बना देता है। तब पागल बोलता है, अब मेरी माँ को भी जिंदा कर दो। अबे पागल लड़के, तू तो सच में पागल निकला, एक बार जो मर गया वो कभी लौट के वापस नहीं आता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चल चल निकल पागल, जो करना है कर ले, मैं तो अब दुनिया में तबाही मचाने चला। पागल एक जलेबी वाले के पास जाता है और उसको बोलता है, अंकल आप उस दिन मुझे जादुई जलेबी खाने को दे रहे थे ना, जिसे खाते ही मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। अरे बेटा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, पर ये बता तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं ऐसे ही, मैं पागल हूँ ना। तुझे जादुई पावर्स चाहिए ना, तो उस वेल्डिंग वाले के पास जा, सुना है उसने एक लेजर सूट बनाया है। पागल वेल्डिंग वाले के पास जाता है और उसको बोलता है, अंकल मुझे लेजर सूट दो ना। अबे पागल कहीं के, भाग यहाँ से, नहीं तो दूंगा कान के नीचे, लेजर सूट चाहिए। अगले दिन पागल उस लेजर सूट को चुरा लेता है और बन जाता है लेजर मैन। हेलो लेजर मैन, आप कौन सी लेजर को यूज करना चाहोगे? तू कौन है और कहाँ से बोल रहा है? मैं एक लेजर सूट हूँ और मैं स्पीकर से बोल रहा हूँ। तभी वहाँ वो साइंटिस्ट आ जाता है। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें, पार्ट 2 देखना है।